Отпусти! Отпусти, я сказал! Не быку, я сказал! Ну попробуй, да! Hey guys, what is up? इस वीडियो में ये दो छोटे महाशय है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हाथापाई हो जाता है और इनका लैंग्वेज मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। अगर आपको ये दोनों के झगड़ों के शुरुआत और बैकग्राउंड के बारे में नहीं मालूम है तो उसके लिए एक अलग सा वीडियो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आसाब जो बीच में बैठा है वो इंटरव्यू शुरू करता है जहाँ पर वो इन दोनों छोटे महाशय के बारे में उनकी बेसिक डिटेल्स के बारे में पूछता है। तो अब्दुल रोजिक बताता है कि वो ताजिकिस्तान से है, 17 साल का है और 17 किलो है। इसके तुरंत बाद हसबुल्ला को भी वही सवाल पूछा जाता है और वो बताता है कि वो दागिस्तान से है, 18 साल का है और अब्दुल रोजिक से 1 किलो कम है। आसाब फिर पूछता है कि तुम दोनों के बीच में जो मसला है वो शुरू कहाँ से हुआ है, जिस पे हसबुल्ला बोलता है कि मैं अपने वज़न का एक बंदा ढूँढ रहा था और ये बचकाना मुझे मिल गया और वो लड़ने के लिए तैयार भी है। आसाब फिर पूछता है कि तुम्हें सच में क्यों लड़ना है अब्दुल रोजिक से, जिस पे है हसबुल्ला बोलता है कि उसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया है और मुझे लड़ना है बस। फिर आसाब अब्दुल रोजिक को पूछता है कि क्या तुम तैयार हो लड़ने के लिए, जिस पे अब्दुल रोजिक बोलता है कि हाँ मैं 100% तैयार हूँ। आसाब फिर हसबुल्ला को पूछता है कि तुम्हारा अब्दुल रोजिक पे एडवांटेज क्या है, तुम कैसे उसको मारोगे। तो हसबुल्ला बताता है कि ये सीक्रेट है और मैं बताएगा नहीं। फिर आसाब अब्दुल रोजिक से पूछता है कि तुम्हारा क्या एडवांटेज है और तुम उसको कैसा मार सकते हो। इस पे अब्दुल रोजिक बोलता है कि ये मोटा है, मैं इसको अपने एक मुक्के में सुला दूंगा। हसबुल्ला इस पे बोलता है कि ये बचका ना कहाँ ट्रेन किया है, इसको कुश्ती आता है, मैं यहाँ पे दागिस्तान का सबसे बेस्ट जिम वहाँ ट्रेन करता हूँ। जिस पे अब्दुल रोजिक बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तू कहाँ ट्रेन करता है, तुझे हरा दूँ मैं। फिर आसाब हसबुल्ला से पूछता है कि हसबुल्ला जब मैं और अब्दुल रोजिक तुम्हारे घर के पास आए थे तब तुम वहाँ क्यों नहीं थे, बाहर क्यों नहीं आए। इस पे हसबुल्ला बोलता है कि मैं मेरे घर पे नहीं था। उस पे अब्दुल रोजिक बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये घर पे ही था, डर गया था। फिर थोड़े लंबे चौड़े बातचीत के बाद हसबुल्ला बोलता है बस बहुत हो गया, अभी वन मैन शो करते बहुत हो गया, चल आजा सामने खड़े हो फिर देखते। फिर आगे का मज़ेदार जो हाथापाई हुए थोड़ा हल्का सा झड़प है वो आप देखिए और मजा कीजिए। यहाँ पे हसबुल्ला ने आसाब को कोनी मार दिया। तो ये जो झड़प था तो आसाब बार बार ये दो बचकानों को अलग करने की कोशिश कर रहा था। वापस हसबुल्ला अपना 1-2 का कॉम्बो आसाब पे। ये पता नहीं क्यों बीच झड़प में इन लोगों को दो बकरों जैसे भिड़ा दिया है। Курица. पे अब्दुल रोजिक हसबुल्ला को बोलता है कि भाई अगर तू छू लिया तेरे को मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन हसबुल्ला उसको लात मारता है घूम के। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको और एक्स्ट्रा इस टॉपिक में चाहिए तो कमेंट कीजिए। सायोनारा, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।